हाय गाइस, हम लोगों ने अभी एरे पढ़ा, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल। ठीक है, ये जो वीडियो बेस्ड ये साइज स्पेसिफिकेशन पर है, यानी कि यहाँ जो हम लोग साइज डिक्लेयर करते हैं इसको और अच्छे वे में कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी साइज डिक्लेरेशन के लिए कहा जाता है कि अगर हम साइज यहाँ साइज स्पेसिफाई करने के लिए अगर हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट का यूज़ करें तो हमारा प्रोग्राम और परफेक्ट होगा। ठीक है, हमारी कोडिंग और परफेक्ट होती जाएगी होगी। तो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है, कौन से वीडियो नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि वन डायमेंशनल एरे में जब भी आप साइज डिक्लेयर कर रहे हो तो आप साइज डिक्लेयर करने से पहले उसको सिंबॉलिक कांस्टेंट में डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको आप मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट का जो सिंटेक्स होता है वो होता हैज़ डिफाइन। ठीक है, यहाँ आपको देना है कि आप जैसे कि साइज मेरा बेस होगा। ठीक है, और इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 10 से। ओके, तो इसका मैं मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहाँ आप अगर मैं कहीं साइज लिखता हूँ उसका मीन्स आपको लेना है 10। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने 10 लिखा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइज। ये वन डायमेंशनल एरे का एग्जांपल था जो हम लोगों ने पहले अभी कुछ पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ आप साइज लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी साइज लिख देते हैं हम लोग यहाँ से, इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा जो पहले की तरह ही रन करेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्योंकि हमने प्रोग्राम को कहा है कि आपको जहाँ साइज दिखे उसको आप समझिए कि मैंने वहाँ 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा समझ गया, तो प्रोग्राम जैसा था वैसा ही है। लेकिन हमें ये डिफाइन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट यूज़ हमने क्यों किया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, ये समझने वाली बात है। तो ये यूज़ करने से हमें हमें ये एडवांटेज मिलता है कि इन केस अगर हमें साइज को इंक्रीज करना, अगर हम चाहते हैं कि साइज इंक्रीज करके हम लोग 20 कर दें, तो सिर्फ आपको यहाँ चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सभी जगहों पर ऑटोमेटिक ये साइज क्या होगा 20। ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम आपको समझ जाएगा कि जहाँ जहाँ साइज लिखा हुआ है वहाँ हमें क्या करना है, 20 करना है। यानी कि अगर आप इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको और आप अगर यहाँ साइज डिक्लेयर करते हैं 10 10, हर जगह 10 10, तो आपको हर जहाँ जहाँ 10 लिखा होगा वहाँ वहाँ आपको अगर कोई बदलाव करने की आवश्यकता, जैसे कि ये पहला पहले जैसा हो गया, तो अभी अगर मुझे चाहिए कि 20 लोकेशंस, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर जगह 2 20 20 चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के बजाय आप सिंपली ये क्यों नहीं करते हैं? आप डिफाइन कर दीजिए इसको यहाँ और इसको एक नेम दे दीजिए, और यहाँ से हम 20 कर देते हैं, और इन और बाकी सभी जगहों पर हम जैसे ही प्रॉम बनाएंगे तभी हम लोग यहाँ पर साइज लिख देंगे। ठीक है, एक कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, साइज लिख देंगे। ठीक है, तो अभी अगर मुझे 20 के बजाय अगर 30 चाहिए तो हम लोग सिर्फ यहाँ 30 करेंगे, बाकी जगह पर ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट का वन डायमेंशनल एरे में यूज़ करने में, क्योंकि अभी आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया इसीलिए आपको लग रहा है कि इससे अच्छा तो 20 ही लिख दो, क्यों टेंशन लेना। लेकिन नहीं, जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाइएगा जहाँ आपको तो आप जो भी साइज देते हैं उसको बार बार आपको यूज़ करना पड़े और आपको पता ना हो कि आपका साइज कितना एग्जैक्टली होना चाहिए, तब आपको ये ज़्यादा बेटर वे लगेगा साइज डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो ये गुड प्रैक्टिस है अगर आप इसको यूज़ करें तो। ठीक है, ओके, देन यही था। और जैसे कि अगर 2D एरे है तो आप इसको एक और डिफाइन ले सकते हैं यहाँ, बस नाम आपको नेम आपको चेंज करना है यहाँ, और वैल्यू जैसा चाहूँ एज यू विश उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।